एक बड़ी खबर, उरमांझी हत्याकांड का मुख्य आरोपी शेख बिलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही बिलाल जिस पर रांची पुलिस 1,00,000 रुपए का इनाम रखी थी। 3 जनवरी को उरमांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सिरकटी लाश मिलती है। उसके 9 दिन बाद बिलाल के घर से कुछ ही दूरी पर वही सिर पुलिस को मिल जाती है। अब तक के मुख्य आरोपी बिलाल की गिरफ्तारी उरमांझी थाना क्षेत्र के एक गांव से की गई है। वह ऑटो से कहीं भागने की फिराक में था। पुलिस फिलहाल इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। सूचना के मुताबिक किसी सीक्रेट स्थान पर रखकर पुलिस उनसे या बिलाल से पूछताछ कर रही है। सुफिया मर्डर केस में बिलाल की पहली पत्नी साबो खातून और उसके नाबालिग बेटे को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। उसकी निशानदेही पर ही पुलिस को सुफिया का कटा सिर और सिर को दफनाने में इस्तेमाल किया गया नमक हो या फिर जो साबल हो या हम कह सकते हैं जो हथियार इस्तेमाल किया गया था उसकी भी बरामदगी की गई है। पुलिस इन्हें अलग अलग जगह पर रखकर उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि बुधवार को सुफिया के सिर का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया था। सिर और धड़ का ब्लड ग्रुप मैच कर गया। जांच में पाया गया कि उसके चेहरे पर बिलाल ने हत्या से पहले दावली से 11 से ज्यादा बार वार किया था। बाएं आंख के ऊपर और आईब्रो के पास, नाक के ऊपर, दाई गाल पर और दाई आंख और होंठ के पास कई जख्म का निशान पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मिले हैं। इसके बाद गले को बेदर्दी से काट डाला गया था। सुफिया का सर दफनाने के बाद भी उसके चेहरे पर दावली से वार के निशान दिख रहे थे। फिलहाल रांची पुलिस की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक इस तरह की सूचना नहीं आई है, लेकिन जैसे ही सूचना आ जाती है फिर आपके साथ हम जुड़ेंगे और बताएंगे कि बिलाल के साथ गिरफ्तारी के साथ साथ ही और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है। आप देखते रहें JK News Network। धन्यवाद।